100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। कोरोना वायरस की वजह से पूरा देश लॉकडाउन है। अलग अलग शहरों से गरीब मजदूर पैदल चलकर अपने घर जा रहे हैं। वहीं सपा पार्टी के जिलाध्यक्ष और पूर्व सांसद कुंवर देवेंद्र सिंह ने यादव कासगंज रोडवेज बस स्टैंड पर बाहर से आ रहे भूखे प्यासे गरीब मजदूरों को खाना खिलवाया। आपको बता दें, सपा जिलाध्यक्ष ने अपने खाते से जिलाधिकारी को कोरोना की आपदा से निपटने के लिए 5,11,000 रुपए का ड्राफ्ट देने की घोषणा की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब तक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती, तब तक गरीब मजदूरों को वो खाना खिलाते रहेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि सभी समाज के लोगों में जुट जाएं और जो भूखे गरीब लोग बेसहारा हैं, जो लोग पदयात्रा में निकल पड़े हैं, जिनको साधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, उन गरीब लोगों को रोटी पानी की समस्या हो गई है। हमने उसी दिन से भंडारा चालू कर दिया है और निष्कृत जब तक ये परेशानी रहेगी, हम कोशिश करेंगे कि ये खाने पीने की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इसी के साथ साथ हमारी ईश्वर अल्लाह से ये कामना है कि जो ये महामारी घोषित हुई है, इससे हमारा देश निजात पाएगा और आने वाले दिनों में ये राष्ट्रीय ऊंचाई को पहुँचकर अपना मानव सम्मान बढ़ाने का काम करेगा।